दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी, मैंने बेल्ट ब्लाउज कट कर लिया है। अभी मैं चाहती हूँ इसको डबल कटोरी में कन्वर्ट करूँ, तो कैसे कन्वर्ट करना है वो बताते हैं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्लाउज मैंने 40 साइज का कट कर लिया है और अभी आपको बताती हूँ कैसे इसमें पॉइंट दें हम बिना कट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा नीचे का पार्ट है, यहाँ से हम 8.5 इंच पे एक निशान लगा देते हैं। इसके बाद जो हम नेक कट कर लेते हैं, वहाँ से हम निशान लगाते हैं यहाँ पर 5.5 इंच पर, ठीक है। और जो अपना नेक रहेगा, यहाँ से आप देख लें जितना नेक का है, इस लाइन ड्रॉ कर लें। अगर आपको इस तरह से मेजरमेंट में थोड़ा तकलीफ होती है तो ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पे आप इजी रहेगा मेजरमेंट करना। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। तो ये जो 1.5 इंच का पॉइंट लिया है और ये पॉइंट लिया है हमने और नीचे का पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट हो गए, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए, हमारी एकदम कटोरी ब्लाउज की शेप तैयार हो गई है। अभी हम बताते हैं जो इसमें प्लेट डालनी है। तो हमने ये 8.5 इंच लिया है, तो यहाँ से आप इसका हाफ ले लें। तो यहाँ पे एक लंबी लाइन खींच दें 3 इंच, 3 से 3.5 इंच, 3.5 इंच लेंगे तो तैयार में 3 इंच आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। और यहाँ से जो प्लेट लेते हैं वो हमको थोड़ा ज़्यादा लेनी है प्लेट, तो इस प्लेट की चौड़ाई आप 2.5 इंच ले लें। क्योंकि तभी इसका कप साइज तैयार होगा बनके। तो देखिए, ये हमारी कटोरी के ड्रॉ हमने पूरा कर दिया, प्लेट भी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हम इसमें डबल कटोरी का ड्रॉ करते हैं लाइन। तो जो हमारी प्लेट आती है वहीं से हमारी डबल कटोरी शुरू होती है। तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाले प्लेट डालेंगे। जब ये प्लेट पड़ जाएगी उसके बाद हमारी ये सेंटर वाली प्लेट पड़ेगी, और उसके बाद जो कटोरी वाली शेप आ रही है इसको स्टिच करेंगे। ये सभी स्टिच हो जाने के बाद जो हमारी बेल्ट है इसको हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो देखिए, उसके बाद ये सभी तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये हुक पट्टी ली है, ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, और इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे, जो कि ये राइट साइड दिखेगी जो हुक पट्टी है। और ये मैंने नेक पट्टी क्रॉस में कट कर ली है, और इनको हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे क्रॉस में। जब ज्वाइंट हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें नेक में अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिए, जैसे हमने वन पीस में ड्रॉ किया है, सेम ड्राफ्ट रख के अब दूसरा पीस भी ड्रॉ कर लें। तो देखिए, अभी हम इसमें प्लेट डालते हैं। तो जैसे हमने ये पॉइंट दिया है, सेम पॉइंट को पकड़ें और यहाँ पे प्लेट डालना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, ये हमारी प्लेट पड़ गई है नीचे वाली। अभी ऊपर वाली प्लेट को भी, जो सेंटर वाली है, इसको इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे सेम ड्रॉ पर। तो देखिए, ये हमारी कटोरी कितनी अच्छी बनी है। और अभी हम यहाँ पर जो हमारी साइड की है इसको भी सेम स्टिच कर देते हैं। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे भी सेम ड्रॉ किया था, उसमें भी स्टिचिंग डाल दी, ये भी डाल दी। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। अगर आप कट के करने के बाद भी करते तो भी इतनी अच्छी फिनिशिंग और इतना अच्छा कप साइज आपका नहीं बनता। अभी हम इसमें लगाते हैं बेल्ट। बेल्ट आपको हमेशा एक ऊपर की तरफ लगानी चाहिए, एक नीचे, जिससे क्या है थोड़ा स्टिफ रहता है तो और भी अच्छी फिटिंग आती है। तो अगर आपके पास जैसे कपड़ा हमारा ब्लाउज का कम बचता है, तो नीचे आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे रखेंगे ये कम ऊपर की साइड, और सेम एक नीचे की साइड में रखेंगे। और जब बेल्ट आप अटैच करते हैं तो खासकर ध्यान रखें, जो ये प्लेट है इसको इस तरह से साथ में स्टिच ना करें, इसको यहीं पे फोल्ड कर दें, इस तरह से फोल्ड करके फिर स्टिच करें। तो देखिए, इसको पलट लें और किनारे पे सिलाई डाल दें। तो देखिए, बेल्ट भी तैयार होगी। अभी नीचे की फिनिशिंग देते हैं। तो मैंने क्या है, इसमें ज़्यादा ले लिया था अंदर फोल्ड करने के लिए। अगर आप नहीं कपड़ा नहीं होता है तो आप अंदर कोई भी पट्टी फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से रखेंगे हम
ऊपर वाले सेम नीचे वाली पट्टी भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ किनारे पे सिलाई डाल देंगे। फिनिशिंग कंप्लीट है। अभी मैंने जो पट्टी बताई 1.5 इंच ली है उसमें से डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ पे हम इसको स्टिच करते हैं। तो देखिए हमारी ये पट्टी भी तैयार हो चुकी है और अभी हम इसमें नेक पट्टी लगा रहे थे। हमने नेक पट्टी भी लगा दी तो आप देख सकते हैं हमारा ये पीस पूरी तरह से तैयार हो गया है और जब आप इसको पहनेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए इसी तरह से दूसरा पीस तैयार कर लें। इस आसान तरीके से बेल्ट ब्लाउज को डबल कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना कट किए हुए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।